हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्री क्योर में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है अल्कोहल एंड सोप ऑन कोरोना वायरस। सो जो कोरोना वायरस है वो सरफेस के ऊपर जिंदा रह सकता है, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए उसको सेल्स चाहिए, तो ह्यूमन सेल्स बेसिकली, ठीक है। एंड अब जो कोरोना वायरस है दूसरे जो सार्स कोवी टू है बेसिकली दूसरे कोरोना वायरसेस की तरह, उसकी भी शेप जो है वो स्फेरिकल है एंड स्पाइक्स निकली हुई हैं, प्रोट्यूड कर रही हैं उसकी सरफेस से, जैसे यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पाइक्स हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन सेल से लैच ऑन करती हैं एंड उसके बाद द ह्यूमन सेल्स दे अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस। एंड होता क्या है बेसिकली कि जो वायरल जीन्स हैं वो एंटर कर जाते हैं ह्यूमन सेल्स को, यानी जो होस्ट सेल है उनको एंटर कर जाते हैं एंड इसके थ्रू और जो वायरसेस हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द रेप्लिकेशन हैपन्स, ठीक है। सो लाइक द वायरस विच कॉज्ड 2002 सार्स आउटब्रेक, जो सार्स कोवी टू है उसके भी जो स्पाइक्स हैं वो ह्यूमन सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड कर लेते हैं एंड देन दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो अब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं कहाँ पर हो रही हैं, दे आर ऑल इनक्लोज्ड इन द एनवलॉप विच इज़ अ फैटी लेयर। सो ये एक लिपिड का लेयर है, दिस एनवलॉप जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस वन। तो सोप्स कैसे डिसरप्ट करती हैं बेसिकली, सो जो लिपिड्स होते हैं दे आर मेड ऑफ फैटी एसिड्स, है ना, एंड दीज आर अनअफेक्टेड बाय वाटर। तो वाटर इनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके सोप्स या डिटर्जेंट हैं बेसिकली वो इस लिपिड लेयर को तोड़ देते हैं एंड दैट इज़ हाउ द वायरस इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो जो नोवेल कोरोना वायरस है जो उसका लिपिड एनवलप है उसको सोप या जो डिटर्जेंट आपका एंड सिमिलरली जो अल्कोहल है विच वी यूज इन द फॉर्म ऑफ सैनिटाइजर्स वो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड देन रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द वायरस। तो दैट इज़ हाउ जो आपकी सोप एंड अल्कोहल का एक्शन होता है कोरोना वायरस पर। अब अगर हम बात करें कि इतने ज़्यादा जो वायरसेस हैं वो बैट्स से निकल के आ रहे हैं ना, जैसे हमारे पास एग्जांपल हैं रेबीज, मारबर्ग, नीपा, हेंड्रा, तो सभी बैट्स से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन हमने पाया कि बैट्स कुछ इतनी ज़्यादा मात्रा में उनकी मौत नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब बैट्स ने कुछ ऐसे रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है ऑलरेडी। सो WHO का कहना है कि जो सार्स कोवी है विच वॉज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम सिविट कैट्स एंड मर्स कोवी था उसको ड्रोमेडरी कैमल्स के थ्रू इट केम टू ह्यूमन्स, है ना। तो दिस वायरस इज बेसिकली द 2002 विच आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अभी लेकिन जो प्रेजेंटली हमारा सार्स कोवी टू है इसकी अभी तक हमें पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका भी जो नेचुरल होस्ट है वो बैट ही होगा। सो बैट्स क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं इतने नंबर ऑफ वायरसेस को ओरिजिनेट करने के लिए, इसका आंसर उनके एवोल्यूशन प्रोसेस से हम पा सकते हैं। जैसे बैट्स आर द मैमल्स जिन्होंने जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को इस तरीके से यूटिलाइज किया है कि दे हैव फाइनली डेवलप्ड द केपेबिलिटी कि दे कैन फ्लाई, है ना। एंड जब फ्लाइंग का उनका एफर्ट होता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो वेन एवर द फ्लाइंग एक्शन टेक्स प्लेस जो उनकी बॉडी है उसमें बहुत नंबर ऑफ सेल्स दे ब्रेक डाउन एंड ब्रेक डाउन के प्रोसेस में टाइनी बिट्स ऑफ DNA आर रिलीज्ड। तो ये जो DNA रिलीज करते हैं बैट्स, अदरवाइज जो अगर कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म हो तो उनकी बॉडी इस DNA को फॉरन इन्वेडिंग पार्टिकल मानेगी एंड उसके अगेंस्ट काम करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करेगी, है ना। लेकिन अब एवोल्यूशन का प्रोसेस ही कुछ ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी कंजर्व करने की तरफ हमेशा लगाए रखेगा वो प्रोसेस एंड मतलब बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो यही है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी कंजर्व हो सके उतनी कंजर्व कर ली जाए, है ना। तो बैट्स में भी यही चीज़ होती है कि क्योंकि बैट्स को एनर्जी चाहिए अपना फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए एंड ऑल, तो दैट इज़ व्हाई दे डू नॉट एक्ट अगेंस्ट दीज फॉरन इन्वेडिंग DNAs, है ना। तो अदरवाइज तो इस DNA को बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन बैट्स उस एनर्जी को कंजर्व करके अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाई वो इन फॉरन इन्वेडिंग DNA को म्यूट नहीं करते और मे बी जो इनका इम्यून सिस्टम है डज नॉट रिएक्ट टू देम, है ना। तो अब इस वीकेंड रिस्पॉन्स की वजह से ना तो बैट्स में कोई इन्फ्लेमेशन होती है इन DNA की वजह से एंड
बेसिकली अपनी बॉडी का जो मैसिव टोल है, जो एनर्जी का टोल है, वो भी वो बचा लेते हैं. सो दैट इज़ वाई उनकी बॉडी में नंबर ऑफ सच डीएनएज दे फर्दर डेवलप ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इनटू वेरियस वायरसेस. एंड सिमिलरली जो कोरोना वायरस है वो भी इसी तरीके से जो बैट से ओरिजिनेट होते रह रहे हैं. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी SARS CoV था, है ना, 2002 वाला, एंड नाउ वी हैव SARS CoV 2. तो अब ये जो नंबर है, हो सकता है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अब क्योंकि बैट्स में तो जो प्रोसेस है वो सेम चलता ही रहेगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और भी इस तरीके के वायरसेस को विटनेस करना पड़े. ठीक है, तो अब वील हैव टू विटनेस कि कैसे जो साइंटिस्ट हैं इसके अगेंस्ट कुछ डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी. मूविंग फॉरवर्ड, DRDO एंड वॉर अगेंस्ट कोरोना. सो DRDO क्या काम कर रहा है इस एपिडेमिक या पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए? DRDO ने चार बेसिक आइटम्स डेवलप की हैं. एक है हैंड सैनिटाइज़र, तो कुछ 4000 लीटर के अराउंड जो सैनिटाइज़र है वो भेज दिया गया है टू द डिफेंस फोर्सेज एज वेल एज पार्लियामेंट एंड दिल्ली पुलिस एट्सेट्रा. ठीक है, इसके बाद क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर्स डेवलप कर रहा है DRDO, ताकि कुछ जो आने वाले केसेज हों, जो एक्यूट केसेज हो जाते हैं निमोनिया के केसेज, जैसे हमने पिछले हफ्ते के वीडियो में देखा था, तो उनको कैटर करने के लिए वी नीड द वेंटिलेटर्स. एंड N99 मास्क डेवलप कर रहा है DRDO. सो जो ये मास्क डेवलप कर रहा है DRDO, दे आर 5-लेयर मास्क एंड इसमें 2 नैनो मेश लेयर्स भी हैं, ताकि इस वायरस की जो एक्सेप्टेबिलिटी को रोका जा सके. एंड देन वी हैव द बॉडी सूट, जो DRDO ने पहले रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज के लिए बनाया था, बट अब क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ एंड सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भी इस सूट को भेजा जा रहा है. सो दीज सूट्स दे आर वॉशेबल, तो ये ध्यान में रखना है हमें. एंड जाते जाते N95 एंड N99 मास्क की भी बात कर लें, तो N95 मास्क जो है बेसिकली एंटी पोल्यूशन मास्क है आपका, एंड जो 95 नंबर का मतलब क्या है कि 95% पोल्यूटेंट्स को ये फिल्टर कर देता है. तो प्राइमरीली जो आपका PM2.5 है उसको फिल्टर कर देगा ये. एंड इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे विद मल्टीपल लेयर्स के मेजरली जो 95% डस्ट है या पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर आउट करके आपको थोड़ी क्लीन जो हवा है वो देगा. ठीक है, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक नोट करने की क्या है कि ये जो मास्क हैं दीज आर वेरी सिंपल बेसिक मास्क जो आप रेगुलर यूज़ में पहनते हैं, तो ये कोई हार्मफुल केमिकल वेपन्स गैसेस एट्सेट्रा इन सब से आपको नहीं बचाता. एंड N95 मास्क दे आर रीयूजबल, बट तब तक जब तक इसका फिल्टर जो है वो क्लॉग नहीं होता. एंड डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं अगेंस्ट स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड अदर जो वायरल इन्फेक्शन हैं, इसलिए जो आपका SARS CoV 2 है उसके लिए अगेंस्ट भी इसको रिकमेंड किया जा रहा है. बट एक जो इंपॉर्टेंट मास्क N99 बनाया है DRDO ने, इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो जो N99 एंड N100 मास्क हैं दीज आर वेरी रेयर, तो ये 99 से 99.97% जो फिल्टरेशन एक्शन है वो करते हैं. एंड जो DRDO वाला है उसमें तो नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है इन द 2 लेयर्स जो कि 5-लेयर मास्क है. ठीक है, बट ये ऑयल बेस्ड पोल्यूटेंट्स को नहीं कैटर करते, उनके लिए अलग पी और आर सीरीज के मास्क हैं, उनमें हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम जो बेसिक मास्क हैं उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड N99 मास्क दे आर मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ फिल्टरेशन एज कम्पेयर टू द N95 मास्क. ये हमें ऑलरेडी दिख ही रहा है कि 4% तो डायरेक्टली जो डिफरेंस है ही है ना, बट जो N99 मास्क है उसकी ब्रीदिंग रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होती है, बिकॉज फिल्टरेशन एक्शन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा होंगे ना अकॉर्डिंगली. जो आप नॉर्मली विदाउट मास्क जो ब्रीद कर सकते हैं, हो सकता है इतना फ्रीली ना ब्रीद कर सके, तो इसीलिए ये जो मास्क हैं इनको हम रिकमेंड नहीं करते जो लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. एंड लास्ट टॉपिक हमारा है, DRDO ने कुछ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग्स डेवलप किए हैं, तो ये भी देख लेते हैं. सो दीज बैग्स दे आर डिज़ाइंड टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट पर्संस इन्फेक्टेड विद COVID-19. तो बेसिकली उनको भेजने के लिए लोगों को आइसोलेट करने के लिए जो बैग्स हैं बनाए गए हैं, एंड वाटरप्रूफ एंड एयर प्रूफ बैग्स हैं ये, एंड दे आर ट्रीटेड टू डील विद बायोलॉजिकल एजेंट्स. बायोलॉजिकल एजेंट्स हमारे जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा, तो उनके अगेंस्ट एक्शन के लिए डिज़ाइन हैं ये बैग्स. एंड दे आर इन द शेप ऑफ रिजिड सिलेंडर, नॉन वोवन एंड वाटर रिपेलेंट फैब्रिक यूज़ की गई है
विद एयर एंड वाटर प्रूफ जिपर्स एज वेल एज वेंटिलेटर। तो अकॉर्डिंगली काफ़ी सेल्फ सस्टेनिंग बैग्स में बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, क्योंकि आइसोलेशन ही हमारा मेन जो मोटिव है इन बैग्स में, एंड दैट इज़ थिंग दे आर सर्विंग द मोस्ट। एंड नॉन वोवन होने का फ़ायदा क्या है कि जो आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह होंगे वो आपको बैग के थ्रू अटैक नहीं कर सकते। एंड जो फिल्म है इसकी टू विद विच इट इज़ कोटेड वो इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट द केमिकल बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, ठीक है, ताकि बॉडी को ब्लड एंड वायरल पेनिट्रेशन से रोका जा सके या बचाया जा सके। सो आई होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इस बैग के बारे में। अब ये जो टर्म्स हैं इन्हीं को ही हम दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि अब इनकी हिंदी ट्रांसलेशन तो आई कांट डू, ठीक है। तो अब हो क्या सकता है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखिए, बिकॉज जो कोई अगर क्वेश्चन बनेगा भी इससे तो वही होगा कि वोवन था या नहीं वोवन था ना, वाटर रिपेलेंट एट्सेट्रा। तो जो बेसिक टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ याद करने की ट्राई कीजिए। एंड अगेन जो इफेक्टिवनेस की बात अगर हम करें तो CBRN एनवायरनमेंट के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं ये बैग्स, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।